एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नहीं सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी। सुनाए बाबा कल की अवतारी, सड़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचा करते हैं जुमले बाजी, बने ले खुद के विश्व गुरु जी ओसे हां बलमा जी। फिर से नेहा सिंह राठौर का नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश, देश में युवा बेरोजगार घूम रहा है, एमटेक बीटेक करके सड़कों पर है, ठोकरे खा रहा है और सब्जी बेच रहा है, तरकारी को सब्जी कहते हैं, यानी युवा बेरोजगार होकर सब्जी बेच रहा है, पिता का पैसा भी बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कल की अवतारी ये गाना नेहा सिंह राठौर ने गाया है। नेहा सिंह राठौर ने एक संदेश दिया है, नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि देश में युवा बेरोजगार हैं, एमटेक बीटेक कर सरकारी जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, तरकारी बेच रहे हैं, इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आपने अयोध्या में काम किया, जिस तरीके से आपने बनारस में काम किया, काशी में आपने काम किया, उस तरीके से युवाओं पर भी ध्यान दे दीजिए। वहीं नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से क्या कुछ संदेश दे रही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खुद वो आप सुन ले। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नहीं सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी। सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नहीं सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी। सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। खाली दाढ़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचावे करते हैं जुमले बाजी, अरे बने ले खुद के विश्व गुरु है जी ओसे हां सैया जी। खाली दाढ़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचावे करते हैं जुमले बाजी, बने ले खुद के विश्व गुरु है जी ओसे हां बलमा जी। जय माँ दुर्गे जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, जय माँ दुर्गे जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, भूख मंगर लड्डू चढ़ाई संगम वाले बजरंग बाली, कबले रही हम बेरोजगार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। इहे महामहिम इहे महानुभाव इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। इहे महानुभाव इहे महामहिम इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। हमारो के तार दो किस्मत संवार दो, हमारो के तार दो किस्मत संवार दो, नवहन के हाथे सरकार रोजगार दो, जिंदगी भइल जाता तबाह, लगता हमार होई ना बियाह, 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 लगता हमार होई ना बियाह। तो आपने सुन लिया, नेहा सिंह राठौर ने गाने के माध्यम से ये बताया है कि बीटेक एमटेक करके लगातार युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, न जाने केंद्र सरकार के कानों में जू क्यों नहीं रेंगती, किस क्यों, अब युवा जो है वो कब तक बेरोजगार घूमेंगे, कब तक उनको नौकरी मिलेगी। देखिए लगातार सवाल जो है वो युवा भी करते हैं, और वही युवा का सवाल जो है नेहा सिंह राठौर अपने गाने के माध्यम से सरकार से कर रही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर गाने तो गा लेती हैं, लेकिन फंस भी जाती हैं, पुलिस का उनके पास लेटर भी चला जाता है कि आपने गाना गाया कैसे, अगर गाया तो इसके बारे में बताइए, इससे देश में जो है वो जो है लगातार विद्रोह हो रहा है। अब आप खुद बताइए कि नेहा सिंह राठौर ने इस गाने को गाया है तो क्या उन्होंने गलत किया है,
क्या देश में युवा बीटेक एमटेक करके बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? पिता का पैसा क्या बर्बाद युवाओं ने नहीं किया? क्या उनको सरकारी जो है नौकरी नहीं मिलने के कारण जो है उनको तरकारी नहीं बेचना पड़ रहा है? तमाम सवालों का जवाब जो है नेहा सिंह राठौर ने इस गाने के माध्यम से दिया है। उन्होंने सरकार का आंख खोला है। आप भी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कुछ गलत है क्या सही है? युवा बेरोजगार भटक रहे हैं या नहीं भटक रहे हैं? केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? लगातार अपडेट एनबीसी 24 के माध्यम से देते रहेंगे। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।